पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ आठवीं बार भी नाकाम रहा। भारत ने बड़े मैच में शाहीनों को एकतरफा मुकाबले में 7 विकेटों से हरा दिया। पूरे खेल में मैच भारत के हाथ में रहा। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट में भारत को हराना खा भी रह गया। पाकिस्तानी टीम 43वें ओवर में ही 191 रन पर ढेर हो गई। बड़ा हदफ देने का दावा करने वाली टीम 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। बाबर आजम के जाते ही मिडल ऑर्डर सूखे पत्तों की तरह बिखर गया। बड़े मैच में बड़ी शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर भी बोल पड़े। कहा कि आज का मैच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इवेंट नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का होम इवेंट लगा। मिकी आर्थर का मजीद कहना था कि आज हमने अच्छा नहीं खेला। 155 से 191 पर आउट हो जाना मुनासिब नहीं। भारत की अच्छी टीम है और हम इस टीम के साथ फाइनल खेलने के लिए पुरउम्मीद हैं। शादाब और नवाज को एतमाद देने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल हकीम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तआवुन का इजहार किया।